આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પીડ ન્યૂઝ 17 હર હંમેશ સત્યની સાથે. જોવા માટે સર્ચ કરો speednews17.com તેમજ તમામ સોશિયલ સાઇટ પર. भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी का स्नेह मिलन समारोह दिल्ली में रखा गया. इसमें महासचिव सहित सभी पदाधिकारियों की भव्य बैठक हुई. निम्न बातों पर चर्चाएं हुई. भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी हमेशा गरीब किसानों, मजदूर वर्ग के लोगों को निरंतर आगे बढ़ने में मदद करती रही है. शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा योगदान दिया है. भारतीय संस्कृति के साथ साथ भारत में होने वाले अत्याचार, बलात्कार, बहन बेटियों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रही है. भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी लगातार जनता के दिलों में और बहुत से मुद्दों पर लड़ती रही है. रिपोर्टर सुरेश राजपुरोहित. बार बार हमारे जो महापुरुषों ने हमारे देश के लिए जो बलिदान दिया था, कहीं वो व्यर्थ तो नहीं जा रहा है. आज गणतंत्र दिन के रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान को आज ही के दिन अमल में लाया था, तो कहीं उसे खत्म तो नहीं किया जा रहा है. ऐसे अनेक सवाल हमारे मन में भरे पड़े हुए हैं. और परिस्थिति को देख के ऐसा भी लग रहा है कि आज की सरकार इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर काम कर रही है. और भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी इन्हीं सब इनके षड्यंत्र को खत्म करने का काम करने वाली है. एक तो हमारे राष्ट्र ध्वज में चक्र है, एक हमारे राष्ट्रवादी पार्टी के भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी के झंडे में चक्र है. लेकिन वो चक्र और ये चक्र, ये सुदर्शन चक्र है. जो इसमें जो लकीरें हैं, 21 लकीरें हैं, 21 लकीरें का मतलब हम 21 राज्यों में 21 कलम के उद्देश्य के साथ कार्य करने वाले हैं. और आज जो भाजपा सरकार है, इतने सालों हमारे यहाँ 70 साल कांग्रेस ने राज किया है, इन सभी को उखाड़ के फेंकने का काम हमारी भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी करने वाली है. और उसी उखाड़ फेंकने के लिए हम लोगों ने एक मानव अधिकार भारत अभियान का आंदोलन शुरू किया है. जो आंदोलन में हम हर राज्य की सरकार से और केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि 15वीं तक की शिक्षा हर किसी को मुफ्त दी जाए, हर किसी का गरीब लोगों का उपचार मुफ्त किया जाए, कम कीमत में निवास दिया जाए और हर किसी को रोजगार दिया जाए. और इसी आंदोलन को ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जुड़ने का मैं आह्वान करता हूँ. अगर युवा साथ रहे तो हमारी पार्टी हर देश में, हर राज्य में प्रसिद्धि नहीं, मजबूत होगी. और आप लोगों को बस ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इतना कह के मैं तो अपने दो शब्द खत्म करता हूँ. जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद डॉक्टर साहब. डॉक्टर, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, आंध्र हो, तेलंगाना हो, या फिर नॉर्थ ईस्ट में असम हो, सिक्किम हो, या फिर मेघालय, त्रिपुरा, ये राज्य जो हैं, सब जगह ये कार्य करते हैं पार्टी का, और पार्टी के विस्तार देने में अपना पूरा समय देते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भगवान भाई दादिया जी. अब मैं आपके बीच में कुलदीप मोर को आमंत्रित करूंगा. बच्चा अपनी दो बातें रखना चाहेगा. नमस्कार. पहले तो मैं अपने तिरंगा को प्रणाम करता हूँ. और यहाँ पर मौजूद मेरे सभी छोटे बड़े भाई, मेरे प्रिय, मेरे युवा, सबको मैं सादर प्रणाम करता हूँ. और साथ में आप लोगों का बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकाल कर यहाँ पर आने का कष्ट किया और इस छोटे से प्रोग्राम में 4 चांद लगाकर उसे बहुत बड़ा कर दिया. वैसे तो मुझे माइक पर बोलने का अनुभव नहीं है, बहुत कम है, स्कूल टाइम में ऐसा होता था, लेकिन उसके बाद बहुत कम समय मिला है. आज मौका मिला है
कुछ बोलने का तो मैं बोलना चाहता हूँ, और आप लोगों के सामने पहली बार माइक पकड़ कर प्रेजेंट हो रहा हूँ। तो इससे पहले 15 अगस्त 26 जनवरी को शामिल होता था प्रोग्राम में, लेकिन बोलने का मौका कभी नहीं मिला। आज कुछ गलतियां हो सकती हैं, कृपया करके मुझे माफ़ कर देना। आज यहां पर भारतीय राष्ट्रवादी की तरफ से दिल्ली में महाधिवेशन हो रहा है, जिसमें देश के सभी राज्यों से भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस महाधिवेशन में उपस्थित हैं, और उनका नाम लेना चाहूँगा। महाराष्ट्र से भगवान भाई दाठिया, कानपुर से आशुतोष मिश्रा जी, रविंद्र कुमार जी, विनोद कुमार जी, राजस्थान से दिनेश जाखड़ जी, मुरादाबाद से जय कुमार जी, बदायूं से हेमेंद्र यादव जी, सब्बल से राजकुमार यादव जी, राजेश यादव जी, मैनपुरी से गौरव सिंह जी, दिल्ली से भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी के संस्थापक चौधरी गुलाब सिंह जी, दिल्ली से कृष्ण कुमार जी, मोतीलाल जी, उमेश भाई बाबू जी, ननकी भाई, मयंक कश्यप जी, दीपक बसन, शशि कश्यप, माधव चौधरी, भाई मोनू जी, विशाल जी, विक्की विक्की सिक्की, और इस प्रोग्राम के संयोजक गोविंद पंडित जी, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने ऐसे 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस पर यह महाधिवेशन रखा है और सबको अपने अपने विचारों को व्यक्त करने का मौका दिया है। मैं शुरुआत उन आदमियों से करना चाहता हूँ, मन सभी का भारतीय राष्ट्रवादी की तरफ से फिर से धन्यवाद करता हूँ। आज हम अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, ये तो सबको पता है। उसी के उपलक्ष्य में आज कुलदीप सिंह आपके सामने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में कुछ बोलना चाहता है। मैं आज उन बच्चों और नौजवान युवाओं के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ जिनकी शुरुआत बड़े जोर शोर से हुई है, लेकिन जब उनकी तारीफ होती है तो ऐसा लगता है कि यह युवा बहुत आगे जाएगा, कुछ करके दिखाएगा। कुछ मैं जो सुन रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, इसे बड़े ध्यान से सुनना, समझना, यह हमारी सबकी जिंदगी का एक हिस्सा है। हाँ, तो जब इस तारीफ होती है तो ऐसा लगता है कि ये बंदा, ये जवान कुछ करके दिखाएगा, जरूर कुछ बनेगा, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है उसकी रफ्तार कुछ कम हो जाती है।